स्पेशलिस्ट को भी चांस मिलेगा टू गेट मोर मनी टू गेट हायर बिड्स। टॉस के टाइम पे आपको एक चार सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बताने पड़ेंगे। वो रन जो कम लग रहे थे मुझे अब वो ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज़ आई हैव वन मोर बैट्समैन। डिसरेस्पेक्टिंग द नेचुरल लॉज ऑफ क्रिकेट। हरी ब्रूक, मनीष पांडे, ये लोग अच्छे प्राइस पे गए हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है अल्टीमेटली, हम कितना भी कह लें। इज इट रियली गुड फॉर द गेम? व्हाट आर योर व्यूज? Hey guys, welcome back to Pro Sports. It's all fun and games. This is Mohit and this is Aditya. And यार हाल ही में BCCI ने IPL में एक नया फ्लेवर ऐड किया है, which is the impact player rule. अब ये रूल क्या है, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है इसके पीछे, आज सब जानते हैं। Let's find out. So start करते हैं कि impact rule है क्या। So by definition, the impact player can replace any member of the starting 11 at any point of the innings, and he or she will be allowed to bat and bowl his full allotment of overs. अब इसके पीछे कुछ conditions हैं कि किस basis पे हम लोग ला सकते हैं player. First thing is कि भाई ये कैप्टन नहीं हो सकता। सेकंड इज कि भाई ये इंडियन ही होना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल आईपीएल में जो होता है ना कि आप सिर्फ चार फॉरेन प्लेयर्स ला सकते हो। तो अगर आपकी स्टार्टिंग 11 में चार नहीं है फॉरेन प्लेयर्स, देन यू कैन इंट्रोड्यूस ऑब्वियसली अ फॉरेन प्लेयर। थर्ड इज क्या, टॉस के टाइम पे आपको एक चार सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बताने पड़ेंगे, उसमें से ही आप अल्टीमेटली इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो। एंड द फोर्थ इज कि जो प्लेयर सब आउट होगा उसका फिर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा गेम में, सब्स्टिट्यूट फील्डर की तरह से भी नहीं आ सकता। बेसिकली ये रूल वही है यार कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर अलाउड होता है फील्डिंग के लिए आता था पहले, अब वो बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकता है इन प्लेस ऑफ सम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में। उसमें और आईपीएल में जो अभी रूल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें डिफरेंस बस ये था कि उस ट्रॉफी के टाइम पे 14th ओवर से पहले हम लोग डाल सकते थे और अब हम लोग कभी भी डाल सकते हैं। तो यार देखो ये तो हमें पता चलेगा रूल क्या है और उसके ओरिजिन्स क्या है, बट यहाँ से हम आते हैं कि इम्पैक्ट कैसे करेगा गेम को। फर्स्टली ये ऑक्शन को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। देखो ऑक्शन को उसने ऑलरेडी इम्पैक्ट कर दिया है बहुत बड़ी तरीके से। अभी आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ था इन दिसंबर 2022, वहां पे हमने देखा है कि कई सारे प्लेयर्स लाइक हारी ब्रूक, मनीष पांडे, ये लोग अच्छे प्राइस पे गए हैं। राइट, व्हाई सो? इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ यू विल नो। देखो आईपीएल में इनफैक्ट इन T20 क्रिकेट आजकल ऑलराउंडर्स का जमाना है, जो आदमी तीनों चीजों में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं। बट दिस रूल काइंड ऑफ रीइंस्टेट्स द वैल्यू ऑफ स्पेशलिस्ट इन क्रिकेट। बेसिकली जो बंदा सिर्फ बैटिंग करता है उसमें स्पेशलाइज करता है, जो बंदा सिर्फ बॉलिंग करता है उसमें स्पेशलाइज करता है, उनकी वैल्यू थोड़ी दोबारा ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हैरी ब्रूक और मनीष पांडे वर सोल्ड एट डिसेंट प्राइसेस। यही एक पर्पस है इस रूल का कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको वापस लाया जाए गेम में। तो इससे ऑक्शन में नेचुरली फर्क ये पड़ेगा कि यार देखो जो ऑलराउंडर्स हैं जैसे कि सैम करन हु मेड हिस्ट्री, युवराज सिंह उससे पहले था, यूजुअली ये लोग अपने बिगेस्ट बिड पे जाते थे आईपीएल के। अब स्पेशलिस्ट को भी चांस मिलेगा टू गेट मोर मनी टू गेट हायर बिड्स। तो इस तरीके से तो देखो ऑक्शन इंपैक्ट होने वाला है, टीम कंपोजिशन इंपैक्ट होने वाला है। बड़ा बात है कि गेम कैसे इंपैक्ट होगा। देखो यार इसमें गेम में ऐसे इंपैक्ट होगा कि देखो मान लो सपोज आई एम बैटिंग फर्स्ट, राइट, और मेरा कोई ओपनिंग बैट्समैन है मेरी टीम का, वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है। Now I have the liberty to have one more batsman outside the playing 11, जिसको मैं ला सकता हूँ, that can impact the way I am playing, my team is playing, right. और एकदम से वो runs जो कम लग रहे थे मुझे अब वो ज्यादा हो सकते हैं because I have one more batsman. Similarly in case of bowling also. अब इसमें बात आती है कि यार impact तो ये हो गया game को, किस तरीके से use कर सकते हैं players वो भी हमें पता चल गया। Is it really good for the game? What are your views? Yeah, मेरे हिसाब से तो देखो IPL entertainment के लिए use होता है ultimately, हम कितना भी कह लें, but ultimately it's for entertainment only. T20 cricket in general is kind of for entertainment. Unless and until we are talking about international games, जिसमें countries आपस में भिड़ती हैं। तो as far as अगर ये IPL में हो रहा है या फिर अगर हम कह रहे franchise cricket में आ रहा है, तो I'm kind of fine with it, क्योंकि मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। But unless and until ये चीज़ अब T20 World Cup में आ जाए या फिर T20 cricket in general में आ जाए, तो I think वहाँ पे we are kind of disrespecting the natural laws of cricket. मैं तो बड़ा honestly बताता हूँ, I was not really happy to know that this rule exists now in the IPL, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है as I mentioned previously कि कैसे use कर सकते हैं इस rule को। उसका एक और एक flip case ये है कि suppose मैं बैटिंग कर रहा हूँ, पहले मेरी टीम में मैं पूरी बैटिंग कर चुका हूँ, एंड सपोज आई हैव 5 बॉलर्स एंड 6 बैट्समैन इन माय टीम। अब बैटिंग में मैंने 200 रन बना दिए 6 बैट्समैन को यूज करके, अब मुझे बॉलिंग में अच्छी और बॉलिंग करनी है, मेरे पास 5 बॉलर है, अब मैं किसी बैट्समैन को सब्स्टिट्यूट करके एक बॉलर को ले आऊंगा इन द सेकंड इनिंग्स, सो आई विल आल्सो हैव 6 बॉलर्स नाउ। दिस काइंड ऑफ अफेक्ट्स द डायनामिक्स ऑफ द गेम अ लॉट, एंड जो एक प्रिपरेशन होती है ना गोइंग इनटू द मैच ऑन द ऑपोजिशन साइड एज वेल एज योर्स, उसको तुम काफी हद तक वेरिएबल कर दे रहे हो इन माय ओपिनियन। क्योंकि मान लो ऑपोजिशन है, तुम्हारा कंपोजिशन देखा टीम का कि तुम्हारे पास 6 बैट्समैन है 5
बॉलर है, उसके हिसाब से उन्होंने खुद के लिए प्रिपेयर करा, कंडीशन देखा उसके हिसाब से प्रिपेयर करा। अब तुमने एंड मोमेंट पे एक सब्स्टिट्यूट कर दिया, गेम के डायनामिक्स बदल गए, इट कुड बी काइंड ऑफ अनफेयर टू द ऑपोजिशन आल्सो। एंड इसमें वही बात हो जाएगी, वन अपमैनशिप की बात हो जाएगी कि तुम शेयर हो मैं सवा शेयर हूं, तुम ये सब्स्टिट्यूट करा मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ऑब्वियसली इट एड्स अ न्यू डायमेंशन, अ न्यू फ्लेवर टू द आईपीएल एंड टू क्रिकेट इन जनरल, बट एज यू सेड बिफोर आई थिंक इट काइंड ऑफ हिंडर्स विद द ओरिजिनल लॉज ऑफ द गेम, द वे इट इज प्लेड, एंड बीइंग अ प्योरिस्ट आई एम नॉट रियली हैप्पी टू सी दिस रूल। बट यस, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर आया तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इज बेसिकली फॉर अट्रैक्टिंग ऑडियंस ना, तो आई थिंक इससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो सकती है। मतलब पता, मुझे पर्सनली लगता है कि आई डोंट रियली नो इफ दैट इज द केस। आई मीन आईपीएल इज गोइंग ऑल आउट इन इंट्रोड्यूसिंग दिस लॉ एंड प्रमोटिंग इट, हमने बहुत पहले से एड्स देखे शुरू कर दिए थे इस चीज के, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी जा रही है सूल के अराउंड, ऑब्वियसली बिकॉज एक बहुत नए तरीके से चेंज कर देगा गेम को। बट देन अगेन, हाउ वेल आर पीपल गोइंग टू रिसीव इट? सी, जो लोगों को क्रिकेट नहीं पता है ज्यादा, जो लोग नए हैं गेम को लेके, उनको फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ओरिजिनल रूल्स को इतने ज्यादा टाइम से देखते नहीं आ रहे हैं। बट गाइस लाइक मी हु हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, आई थिंक उनको ये रूल पसंद नहीं आएगा शायद। ऑब्वियसली नाउ वी कैन हैव डिफरिंग ओपिनियंस ऑन दिस, वो आप कमेंट से शेयर करके जरूर बताना। बट इन माई ओपिनियन आई स्टिल फील दैट एट द एंड ऑफ द डे, देखो चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, अगर 11 लोग सेलेक्ट होते हैं तो फिर उन्हीं को खेलना चाहिए, वरना फिर फुटबॉल और क्रिकेट में फर्क क्या रह गया? फिर सब्स्टिट्यूट तुम करते रहो। इफ यू हैव चोजन 11 प्लेयर्स, तो फिर दे शुड बी इम्पोज्ड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड दिस काइंड्स ऑफ आल्सो अलाउज यू टू गेट अवे विद सम ऑफ योर मिस्टेक्स दैट यू माइट कमिट ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द प्लेइंग 11 और आल्सो ड्यूरिंग द मैच। क्योंकि अगर मान लो एज अ टीम मैनेजमेंट मैंने कोई गलती कर दी सिलेक्शन में, आई स्टिल हैव वन लाइफ एक्स्ट्रा टू मेक अमेंड्स टू दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग वन सब प्लेयर। तो मुझे नहीं पता यार कि ये कितना सही है रूल, क्योंकि पर्सनली इफ आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई डोंट हैव गुड फीलिंग्स अबाउट दिस, एंड आई होप कि नॉट माय सेल्फ सिनिकल, बट मुझे लगता है कि एंड आई होप कि यार ये रूल जो है इस साल के बाद हटा दिया जाए। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe aur bell icon bhi daba dena, aur yahan mein comments mein batao ki are you guys a big fan of this rule, besides on Twitter, Instagram aur Facebook pe bhi hai, to main wahan pe bhi check kar lena, and we'll see you guys in the next video.